हेलो दोस्तों, आज हम लोग बरुईपुर गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं। हम लोग कुछ काम है तो यहाँ से हम लोग श्रीराम दर्शन ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और बरुईपुर दर्शन जाने के लिए आप लोगों को श्रीरामपुर से ही डायरेक्ट टिकट मिल सकता है, मात्र 15 रुपये किराया लगता है। है बाली हॉल्ट और सियालदह से हम लोग फिर बरुईपुर फिर कोलकाता में हम लोग जाएंगे। पूरे ट्रिप को आप लोगों को हम दिखाएँगे अपने इस ब्लॉग के माध्यम से। तब तक आप लोग श्रीरामपुर से हम लोग ट्रिप को स्टार्ट कर रहे हैं। और कैसे बरुईपुर से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि हम कौन कोई ब्लॉग लेके आए, आप लोग इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि ब्लॉग में आप लोगों को जानकारी दिया जाए। आज हम लोग अपना ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, हमारी ट्रेन आ रही है जो कि बाली स्टेशन की ओर लेकर जाएगी। और बहुत ट्रेन बहुत ही लेट से चल रही है, अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट लेट की ट्रेन आ रही है। तो हम लोग अब बाली पे आपको जाके अपना ब्लॉग को बनाएंगे। ये हमारी ट्रेन आ गई श्रीरामपुर स्टेशन पर और हम लोग अब यहाँ पर ट्रेन में उठेंगे। बहुत ही ज़्यादा ट्रेन भीड़ है। बाली स्टेशन में आ चुके हैं, बाली हाल्ट के लिए जाएंगे। वहाँ से बाली हाल भीड़ है, यहाँ से हम लोग सीढ़ी से नीचे उतरेंगे और बाली हाल्ट की ओर जाएंगे। तो हम लोग बाली हाल्ट स्टेशन में पहुँच चुके हैं। आप लोग बाली उतरने के बाद अगर किसी भी आप लोग पूछेंगे बाली हाल्ट स्टेशन कहाँ पर, आप लोगों को डायरेक्शन बता देंगे। अगर आप लोगों को इससे भी ज़्यादा पता रहता है, हमारे डिस्क्रिप्शन में से हो रहा होगा, एक वीडियो हम लोग बनाए थे पहले भी बाली हाल्ट जाने के लिए, आप उसको देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ बाली हाल्ट पे आके हम लोग वेट कर रहे हैं ट्रेन का, कब आएगी। हम लोग सियालदह की ओर जाएंगे और हम लोग सियालदह जाने के बाद ही आप लोगों को दिखाया जाएगा। अगर इधर किसी भी रूट को भी ट्रेन बहुत सारी बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, जैसे कि बाली हाल्ट में मॉर्निंग का समय था तो बहुत ज़्यादा भीड़ आती है। तो आप लोग देखते रहिए। और हम लोग बहुत दिनों ब्लॉग नहीं बना रहे थे, लेकिन इसे बहुत रीज़न था। देखिए फ्रेंड्स, यही है बाली हाल्ट स्टेशन, जो कि यहीं से हम लोग ग्राउंड का ट्रेन पकड़ के हम लोग सियालदह की ओर जाएँगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है क्योंकि ऑफिशियल टाइम होता है ना फ्रेंड्स। तो दोस्तों, हम लोग सियालदह स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ से फिर हम अपना रूट चेंज करके बरुईपुर जंक्शन की ओर अलग ट्रेन पकड़ के हम लोग जाएंगे। तक हम लोग स्टेशन पर भी ट्रेन जा रही है, वहाँ पर वेट करेंगे। हम लोग सियालदह स्टेशन पे आ चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों को मेट्रो की भी सुविधा मिल सकती है, कहीं भी जाने के लिए कोलकाता में कहीं घूमना है तो। और यहाँ पे आप लोगों को लोकल ट्रेन का भी सुविधा मिल सकती है। यहाँ से हम लोग लोकल ट्रेन पकड़ के बरुईपुर जंक्शन पे जाएंगे। वहाँ से हम लोग गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट जाएँगे, वहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। देखिए फ्रेंड्स, यही है सियालदह स्टेशन में पूरा ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है। यहाँ पे बहुत ही कुछ सर सफाई, यहाँ पर क्लीनेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ से आप लोग सियालदह मेट्रो स्टेशन भी यहीं पास में ही है। और यहाँ से अगर आप लोग चाहें तो हावड़ा से यहाँ पे आ सकते हैं और हावड़ा से बस पकड़ यहाँ से आ सकते हैं और यहाँ से ट्रेन पकड़ के बरुई जंक्शन पर जा सकते हैं। हम लोग अब सियालदह स्टेशन पर बरुईपुर जाने वाली लोकल को पकड़ेंगे जो कि 18 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है। यहाँ से ही खुलेगी 18 नंबर प्लेटफॉर्म से और आगे की ओर जाएगी और बहुत ही अच्छा स्टेशन है। यहाँ से आप लोग लोकल का भी ट्रेन का सुविधा है और यहाँ काफ़ी भीड़ है, हावड़ा स्टेशन की तरह ही काफ़ी भीड़ है। अगर चाहें तो आप लोग का तो यहाँ पे शो हो रहा है, हम लोग जो बरुईपुर लोकल वहाँ पे लिखा है 8:50 में वही पकड़ के हम लोग जाएँगे। हालाँकि वो लिख रहा है 20 नंबर प्लेटफॉर्म से खुलेगा आज, तो हम लोग आगे की ओर 20 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। और बहुत ही अच्छा नज़ारा है, यहाँ पे G20 का भी समारोह करने के लिए हमें बड़ा सा TV LED लगाया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है प्लेटफॉर्म, 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे शॉप भी है, फैशन सिटी का शॉप भी है, बहुत सारा स्टाइलिश शॉप, एडवर्टाइजमेंट भी दुनिया भर का और है, KFC का शॉप है। मैंने हावड़ा स्टेशन में भी कुछ खास स्टेशन या सियालदह स्टेशन को बनाया गया है, अगर आप लोग कभी मिले तो आकर देखिएगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, ये न्यू ही रेनोवेशन किया गया स्टेशन का और हम लोग बरुईपुर जाने वाले तरफ में जा रहे हैं, शायद आज जो 20 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी और वहाँ से
यही है यहाँ पे 18 नंबर या 19 नंबर या 20 नंबर प्लेटफॉर्म यहीं पर रहता है, यहीं से हम लोग ट्रेन पकड़ेंगे और आगे की ओर जाएंगे। हम लोग अब 20 नंबर ट्रेन स्टेशन पर गुजरते हैं। देखिए बड़ा बड़ा फैन यहाँ पे, हालांकि यह हवाई स्टेशन भी बहुत ही खास स्टेशन लग रहा है। यहाँ पे सभी लोग की ट्रेनें यहाँ पे जा रही है, हमारी जो सियालदह बल्ली एक्सप्रेस है यहीं से गुजरती है। दोस्तों हम लोग परवीपुर दर्शन जाने के लिए हम लोग अब ट्रेन पकड़ चुके हैं और ट्रेन हम लोग विंडो सीट पकड़ते हैं। बहुत ही ट्रेन यहाँ से यहीं सियालदह स्टेशन से ट्रेन खुले यहाँ से फाका रखे थे, हालांकि सीट मिल गया। बहुत देर से हम लोग सीट नहीं मिल रहा था, दो तीन दिनों में हम लोग ट्रेन से वहाँ नहीं मिल रहा था, सीट पर बैठे थे हम लोग गेट पर ही खड़े थे। और आज का मौसम भी बहुत सुहाना है, तो आप लोग देख रहे हैं बहुत सुहाना मौसम है। बारिश खैर मौसम में बन गया हुआ है लेकिन बारिश हो नहीं रहा है। आज का मौसम बहुत अच्छा लगता है देखने को, और ट्रेन भी बहुत फाँका है। हम लोग विंडो सीट पर लिखे देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुत दिनों से हम लोग वीडियो नहीं बना रहे थे बारे में, जब किसी को बहुत बड़ा कारण हम लोग एक जगह में स्टेबल नहीं रह पा रहे थे, साथ में स्टेबल नहीं कर पा रहे थे, कुछ हम खुद स्टेबल नहीं कर पा रहे थे। आज हम बहुत ही स्टेबिलिटी फील कर रहे हैं। आज हम जब हम आज से वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को उस वीडियो को देखते रहेंगे और हम लोग बदल सकते हैं जाएंगे वहाँ से बलराम को, क्योंकि कार की मेमोरियल इंस्टीट्यूट में कुछ काम है और वहाँ से हम लोग जाकर दिखाएंगे कार की मेमोरियल इंस्टीट्यूट कैसा है। और आप लोगों को कार की मेमोरियल इंस्टीट्यूट जाना है तो बस कम करिएगा, आप लोग हबड़ा से डायरेक्ट ज़्यादा चले आइएगा, हबड़ा से ज़्यादा चले आइएगा बाई बस और बस से ज़्यादा करने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा लगेगा यहाँ पर ट्रेन। और यहाँ से आप लोग ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट भरोही में दर्शन को जा सकते हैं, ठीक है डायरेक्ट। और ज़्यादातर आप लोग अगर बस पकड़ते हैं हबड़ा से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, डायरेक्ट वहाँ मिलना भी बहुत मुश्किल है, आप लोग ट्रेन पकड़ के जा सकते हैं। हालांकि हम लोग तो श्रीरामपुर से ट्रेन पकड़े थे, श्रीरामपुर से बाली घाट से बाली घाट पे गए, वहाँ से हम अलग ट्रेन पकड़ते हैं सियालदह है, और सियालदह से हम लोग फिर अलग ट्रेन चेंज करते हैं फिर से परवीपुर जा रहे हैं सियालदह से, जो कि फिर से हम प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई है और बहुत ही खास है उनका। और हम लोग वहाँ परवीपुर जाने के बाद आप लोग आप लोगों को दोस्तों हम लोग परवीपुर स्टेशन पर आ चुके हैं और यहाँ से हम लोग अब अपने डेस्टिनेशन गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट में जाएंगे और यहीं हमारा ट्रेन रुका। और इसके बाद हम लोग सीढ़ी पर चढ़ने के बाद हम लोग अब ऑटो स्टैंड की तरफ में जा रहे हैं और यहां से हम लोग ऑटो पकड़ के और गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट में जाएंगे। यही है बरुईपुर जंक्शन स्टेशन, यहां से हम लोग सीढ़ी का उपयोग कर रहे हैं और आगे की ओर जा रहे हैं। और आज का मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, सुहाना हम लोग वाले को देखें बहुत ही अच्छा लगता है। और देखिए हम लोग सीढ़ी से की ओर उतर रहे हैं, इसी तरफ से हम लोगों को मिलेगा ट्रेन, बगल में यहाँ तालाब टाइप में बना हुआ है और बहुत ही ग्राम साइड है लेकिन कोलकाता है, यहाँ पे उतना डेवलपमेंट लग नहीं रहा इस स्टेशन का। हम लोग यहाँ से ट्रेन टोटो पकड़ लिए हैं और यहाँ से 4-5 मिनट लगेगा गार्गी मेमोरियल पास पहुँचने में, पूरा एकदम पूरे स्टेशन के पास में ही था यहाँ पर ऑटो स्टैंड। और यहाँ से आप लोग भी पकड़िए, यहाँ से आप लोग जा सकते हैं, हम लोग वेट करेंगे कुछ देर और हम लोग को गार्गी इंस्टीट्यूट मेमोरियल जो है और आने ही वाला है, जो कि टी सी एस का है, कंडक एग्जाम कंडक्टर वाला है, एग्जाम से जा रहे हैं वहाँ पे लगे रहेंगे। ट्रेन यहीं पर उतरने के बाद हम लोग आगे की ओर जाएंगे और इधर ही TCS का कंडक्टर का एग्ज़ाम, जो कि गार्गी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, हम लोग आगे की ओर जा रहे हैं। और फ्रेंड्स ये बहुत ही हमको लगता है कि बड़ा विलेज टाइप का एरिया है कोलकाता का और बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है यहाँ पर नेचर का फील, बहुत ज़्यादा बारिश में सब चारों तरफ हरा भरा दिख रहा है, आप लोगों को देख रहे हैं हमारे बैकग्राउंड में आप देख पा रहे होंगे। और बहुत ही सुहाना है दोस्तों, यही है हमारा गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट जहाँ पे CHSL का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है और यहाँ पर हमारा एग्ज़ाम पड़ा हुआ है, यही हमारा काम था आज का।
और बहुत ही आउट इलाके में पड़ा हुआ है, जो कि बरुईपुर में बलरामपुर क्षेत्र में है। और यहाँ पे आप लोग सियालदह से डायरेक्ट ट्रेन पकड़ के बरुईपुर जंक्शन स्टेशन पर आ सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग आधा घंटा पहले पहुँच चुके हैं अपने शिफ्ट में, और यहाँ पे हम लोग बैठ गए अपने टाइम पर। पूरा ग्राम, पूरा आउट इलाका यहाँ चारों तरफ लग रहा है चेक किया गया है चारों तरफ। और यहाँ पे एक वॉचमैन भी है जो कि बताया यहाँ पे कि 10:30 बजे तक हम लोग का एंट्री होगा सेकेंड शिफ्ट वालों का। फर्स्ट शिफ्ट वालों का एंट्री का एक हो चुका है और एग्ज़ाम उन लोगों का हो रहा है। मे बी उसी बिल्डिंग में एग्ज़ाम हो रहा है जो हम लोग जूम करके आप लोग को दिखा रहे हैं, तो आप लोग देखते रहिए हम लोग। और यहाँ पे आप लोग बहुत ही फ्यू कॉस्ट में आप लोग पहुँच सकते हैं अगर आप सियालदह होकर आते हैं तो। कहीं से भी आएँ, अबड़ा से सियालदह चले आएँ, सियालदह से ट्रेन पकड़ के यहाँ आ सकते हैं, या आप बाली से आ रहे हैं तो बाली हॉल्ट होते हुए यहाँ पर ट्रेन पकड़ के आ सकते हैं। और यहाँ से स्टेशन से आप लोगों को केवल 10 रुपये में आप लोगों को ऑटो वाले पहुँचा देंगे भैया, तो आ सकते हैं। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग हम लोग यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम आप देने के लिए बनाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे कैसे हम लोग कठिनाइयों का सामना करते हैं। यहाँ पे बारिश भी अगर हो तो यहाँ बारिश में टहलने के लिए कहीं जगह नहीं, हम लोग भीग जाएंगे। भगवान जी आज मौसम अच्छा बना के रखे, मैं धूप और बारिश का माहौल किया है, बारिश हो नहीं रहा है तो बहुत ही अच्छा मौसम है। हम लोग यहाँ पे किसी की रेलिंग दिया गया है, यहाँ पर पार्क पतला सा 5 इंच का दीवार है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो एग्ज़ाम जब हम देखने आते हैं तो इन सब चीज़ों का कहना करना करते हैं, अपने साथ छात्र जरूर लेकर आए कि अभी अगर बारिश हो जाए तो आप लोग बचने का पता मिल जाए। जो ITCS का यहाँ पर सेंटर था बरुईपुर में गार्गी मेमोरियल इंस्टीट्यूट, वहाँ से हम लोग फिर से अपने घर की ओर जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे घर के ही पास के एक भाई मिल गए हैं जो कि रिसरा से हैं। हाय बोलिए। हाय। तो हम लोग अब घर की ओर जा रहे हैं, फिर जैसे आए थे उसी तरफ जाएंगे, उसी तरफ से जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग को बाय बाय।